नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन में हम सामान्यतः मीन, मीडियन और मोड के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोस्टेटिस्टिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो भी यही है। बाकी की जो गणनाएं हैं वो मीन, मीडियन और मोड के आधार पर ही की जाती है। दोस्तों, आपके पास कॉम्प्लेक्स डाटा है, आप उसका संक्षिप्तीकरण करना चाहते हैं तो क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन दो आपके पास प्रोसेस है, जिनके बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन के बाद डाटा को सरल और निष्कर्ष योग्य बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। दोस्तों, अगर आप पिछले पूरे वीडियो देख रहे हैं तो हमने ये सारी बातें क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इनके बारे में बात कर ली है। तीनों के बारे में मैंने आपको फिर से रिवाइज करके बताया है। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन क्या करेगा, संक्षिप्तीकरण करेगा। जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स डाटा है और उनका संक्षिप्तीकरण करने के लिए, उनको शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन करेंगे। और इसके बाद डाटा को सरल और निष्कर्ष योग्य बनाने के लिए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो तीन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों स्टेटिस्टिक्स के विश्लेषण की प्रारंभिक अवस्थाएं। तो प्रारंभिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो गई, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स डाटा का संक्षिप्तीकरण। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, उस डाटा को सरल और निष्कर्ष योग्य बनाएगा। इन प्रारंभिक अवस्थाओं से डाटा की सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं स्पष्ट नहीं होती। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन की, तो ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। मीन, मीडियन, मोड कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में तो हम बात कर ही लेंगे। तो ये जो प्रारंभिक अवस्थाएँ हैं इनसे डाटा की सभी महत्वपूर्ण विशेषताएँ स्पष्ट नहीं होती है। तो डाटा के लक्षणों को न्यूनतम अंकों में सारांश के रूप में प्रकट करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी के माप या सांख्यिकी माध्य, जिसको स्टैटिकल एवरेज कहते हैं, उनका अभिकलन किया जाता है। और ये जो स्टैटिस्टिकल एवरेज है, यही क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्रत्येक डाटा सीरीज में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके आसपास डाटा सीरीज के अन्य सभी अंग केंद्रित होते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, वो डाटा सीरीज के मध्य में होगा और दूसरा ये उस डाटा सीरीज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेगा। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं इसके बारे में आप देखिए। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन डाटा के संक्षिप्तीकरण के लिए, सरल और निष्कर्ष योग्य बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों प्रोसेस जो है वो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। इनसे क्या होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्पेशलिटी है, जो विशेषताएं हैं, वो प्रकट नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे पास डाटा के लक्षणों को न्यूनतम और सारांश के रूप में प्रकट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्रत्येक डाटा सीरीज के अंदर ऐसा पॉइंट होता है जिसके आसपास डाटा सीरीज के सभी अंक केंद्रित होते हैं, उसी को ही मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। और ये जो पॉइंट है, ये उस सीरीज के मध्य में होगा जिसको अपन औसत कह रहे हैं, लेकिन आपको रिटर्न एग्जाम में लिखना है इसलिए लैंग्वेज अपनी ये है, वरना तो सिंपल सी बात है, अगर बहुत सारे डाटा आपने लिए उनका औसत निकालना, ये एवरेज मान है और ये एवरेज मान ही क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो पॉइंट है जिसके आसपास पूरी सीरीज के जो अंक है, डाटा है, वो केंद्रित रहते हैं, वो मध्य में होगा और ये उस डाटा सीरीज के बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी देगा। दोस्तों, स्टेटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी का अपना
इम्पॉर्टेंट रोल है, और उसको समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर रिटन एग्ज़ाम में आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो डेफिनेशन आपके सामने है, स्टेटिस्टिक्स से संपूर्ण डाटा सीरीज़ की केंद्रीय प्रवृत्ति को सरल और सारांश के रूप में अभिव्यक्त करने वाला मान केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या औसत या माध्य कहलाता है, जिसको एवरेज भी कहते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? डाटा सीरीज़ की जो सेंट्रल वैल्यू है वो उसको सिंपल और सारांश के रूप में अभिव्यक्त करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। स्टेटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी का या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इतना योगदान है कि डॉक्टर बावले ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि सांख्यिकी को औसत या माध्यों का विज्ञान भी कहते हैं। सांख्यिकी या स्टेटिस्टिक्स साइंस ऑफ एवरेज, औसत या माध्यों का मतलब है एवरेज। तो साइंस ऑफ एवरेज किसको कहा जाएगा? स्टेटिस्टिक्स को। और ये बात किस वैज्ञानिक ने कही? डॉक्टर बावले ने। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट में तीन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है, मीन, मीडियन एंड मोड। इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुलक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम माध्य पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे, तो उसमें तीन सीरीज के बारे में हम मीन की स्टडी करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। व्यष्टिगत, जिसको इंडिविजुअल सीरीज, असतत, जिसको डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रृंखला, सतत या अखंडित या कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो तीनों अलग अलग सीरीज के बारे में हम कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं, मीन मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं और मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, वैसे इसके बारे में जनरल आइडिया आपको हो सकता है, लेकिन देखिए, आपके पास तीन स्टूडेंट है जिनका वजन इस प्रकार है, तो ये सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है। लेकिन ये देखिए, आपके पास ये डाटा है, आपके पास 10 स्टूडेंट है जिसमें से 56 किलो के दो, 58 के तीन और 60 के पाँच, ये सीरीज कौन सी हो गई? डिस्क्रीट या असतत। लेकिन अगर आपके पास डाटा इस फॉर्म में हो कि 40 से 50 किलो के तीन, 50 से 60 किलो के चार और 60 से 70 किलो के पाँच स्टूडेंट है, तो इस प्रकार की सीरीज जिसमें देखो मान कॉन्टिन्यूस है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, तो ये कहलाएगी कॉन्टिन्यूस सीरीज। इन सभी तीनों टाइप की सीरीज में कैसे मीन, मीडियन और मोड का कैलकुलेशन होता है, इस बारे में हम बात करेंगे, और आपके एग्ज़ाम के लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरी स्टेटिस्टिक्स में रिटन एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो सवाल यहीं से पूछा जाता है। तो हम तीनों जो माप है, माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे माध्य या मीन के बारे में। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं माध्यक या मीन या औसत के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यष्टिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ एरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, इस बारे में, इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य या एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने की दो विधियां होती है। एक विधि है डायरेक्ट मेथड और दूसरी विधि है शॉर्टकट मेथड या लघुतर विधि। दोनों विधियों से ही कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे, कैसे समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में, प्रत्यक्ष विधि जिसको कहते हैं,
हिंदी में इसको कहेंगे प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पर देखिए 10 विद्यार्थियों का आपने सैंपल लिया और उनकी लंबाई सेंटीमीटर में इस प्रकार है, ये डाटा आपको मिला। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 10। वैसे डायरेक्ट मेथड में वही फॉर्मूला है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, औसत निकालने का फॉर्मूला। ये डाटा है इनकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है, टोटल जो डाटा है उसको हमने जोड़ लिया, 1650 आया। डायरेक्ट मेथड से अगर आपको माध्य या अरिथमेटिक मीन निकालना है, जिसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। इन सब का टोटल 1650, एन का मतलब टोटल सैंपल में कितनी वैल्यू है, कितने नंबर है, 10, और आंसर आ गया 165 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन आपको मिला डायरेक्ट मेथड के द्वारा, इसका आंसर कितना आया, 165 सेंटीमीटर। दोस्तों ये जो 10 विद्यार्थी है इनकी औसत लंबाई कितनी हो गई, 165 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके दिखाया है। शॉर्टकट मेथड में आप किसी एक मान को, एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य के रूप में मान लेते हैं। वही सेम डाटा, 10 विद्यार्थी हैं और इनकी लंबाई सेंटीमीटर में इस प्रकार है। डायरेक्ट में आपने सबको जोड़ दिया और 10 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया। शॉर्टकट मेथड में आप ने जो एज्यूम्ड मीन, सपोज दैट 162 सेंटीमीटर, आपने कल्पित माध्य का मान लिया है, तो हर एक जो पद का मान है उसमें से आप कल्पित माध्य घटाएंगे। आपने कल्पित माध्य को ही कहीं से आपने कैलकुलेट नहीं किया है, इसी में से किसी एक संख्या को मान लिया है, और अभी फिलहाल के लिए आपने कितना माना है, 162 सेंटीमीटर। तो पहले पद में से कल्पित माध्य माइनस करेंगे, दूसरे में से भी, तीसरे में से भी। ध्यान रहे पद में से कल्पित माध्य माइनस कर रहे हैं, कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन को आगे नहीं लिखना है, हर एक पद में से माइनस कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन। और ये जो वैल्यू आई है इसको डेविएशन या विचलन कहते हैं। कितना विचलन आया है 165 में से 162 के, प्लस के 3। इस प्रकार देखो, +1 -7 -2 +8 +23। और हमने जब समेशन ऑफ dx इन सब का टोटल किया तो प्लस की वैल्यू 44 और माइनस की वैल्यू 14 आई। अब 44 में से 14 गए तो आंसर कितने आ गए, प्लस के 30। मतलब विचलनों का योग, समेशन का मतलब है योग, कितना आ गया, 30। और इस शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू a, a क्या है, एज्यूम्ड मीन, समेशन dx सभी जो विचलन हैं उनका योग, n टोटल नंबर कितने हैं, 10। और 162 क्या है, एज्यूम्ड मीन, 30 क्या है, समेशन dx, और n क्या है, 10। और सॉल्व किया, वही जवाब आ गया जो यहाँ पर आ रहा था। ये डायरेक्ट मेथड है और ये इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड है। मेथड कोई सा भी इस्तेमाल कीजिए, आंसर आपका 165 सेंटीमीटर ही आ रहा है। ये सिंपल, इसमें आपने एक एज्यूम्ड मीन लिया है, उससे फिर कितना विचलन हो रहा है हर एक मान, और उन विचलनों का टोटल किया है, और उसमें किसका डिवाइड किया है, एन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट या जितने भी आपके पास पदों के मान हैं। तो दोस्तों ये था इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन का कैलकुलेशन कैसे होगा, दो मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड और ये है शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड मीन मानकर कैलकुलेशन जो किया है। कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपसे सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में
शॉर्टकट मेथड के द्वारा आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, समांतर माध्य निकालना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन dx अपॉन n। n क्या है, टोटल पदों के मान, समेशन dx क्या है, जो कल्पित माध्य हैं उससे हर एक पदमान कितना विचलित हो रहा है, कितना वेरिएट कर रहा है, और a क्या है, अज्यूम्ड मीन। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया है, इस बात को आप बड़े ध्यान से समझें। अज्यूम्ड मीन विभिन्न पदमानों से कितना विचलन प्रदर्शित करता है, उस विचलन का योग करेंगे और उसमें n से डिवाइड करेंगे, और अज्यूम्ड मीन से जोड़ने पर आपको वास्तविक माध्य या समांतर माध्य प्राप्त होगा। दोस्तों, इस समांतर माध्य के बारे में एक सिंगल लाइन बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, अरिथमेटिक मीन या एक्चुअल मीन भी इसको कह सकते हैं। वास्तविक माध्य एक्चुअल मीन से विभिन्न पदों के विचलनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको समझें। वैसे इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जब चार ऑप्शन में आती है तो अपन समझते हैं कि हमने ये चीज़ कभी पढ़ी नहीं है। एक्चुअल जो मीन है उसका बाकी जितने भी स्टेप्स है, पद हैं, उनसे डेविएशन निकालने के बाद अगर उसका एल्जेब्रिक टोटल या एडिशन करेंगे तो टोटल कितना आएगा, ज़ीरो। अगर एक्चुअल मीन के जगह पर एज्यूम्ड मीन लेंगे तो विभिन्न पदों के विचलनों का योग शून्य नहीं आएगा। अभी हमने शॉर्टकट मेथड में एज्यूम्ड मीन कितना लिया था, 162, तो हमारे जो विचलन है उनका टोटल 30 आया था, ज़ीरो नहीं आया था। मतलब एज्यूम्ड मीन में विचलनों का योग ज़ीरो नहीं होगा, और अगर योग ज़ीरो आ गया तो समझ लें वो एक्चुअल मीन है, वही समांतर माध्य हैं, वही एक्स बार की वैल्यू है। अगर अज्यूम्ड मीन में डेविएशन का टोटल ज़ीरो नहीं आ रहा है, तब आपको वास्तविक माध्य निकालने के लिए कल्पित माध्य में उन विचलनों का समावेशन करना पड़ेगा जो फॉर्मूला मैंने आपको शॉर्टकट मेथड में बताया है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन। ये समायोजन है विचलनों का टोटल और उसको एन से डिवाइड, ये अज्यूम्ड मीन। कोई आपको ये बोल रहा है कि मैंने हर पद का एक संख्या के साथ विचलन निकाल के देखा, और जब पूरे विचलनों का मैंने बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब दोस्तों ये है कि प्लस की वैल्यू प्लस में लिखनी है, माइनस की वैल्यू माइनस में लिखनी है, फिर ऐड करेंगे, जितने प्लस है माइनस से कट जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी। तो कोई आपको ये कह रहा है कि बीजगणितीय योग ज़ीरो है, तो डेफिनेटली आप मान लीजिए वो संख्या अरिथमेटिक मीन, एक्चुअल मीन या समांतर माध्य हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने किसी से सवाल पूछा कि मेरे पास एक नंबर है, हर एक स्टेप से मैंने उसको माइनस किया या उसका विचलन कैलकुलेट किया, और उनका समेशन, उनका योग, उनका बीजगणितीय योग ज़ीरो आ रहा है, तो वो संख्या कौन सी है, अरिथमेटिक मीन है, एक्चुअल मीन है। या सपोज डेट, यहाँ देखिए मैंने वही सीरीज़ ली है जिसके बारे में हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड पढ़ा है। 10 स्टूडेंट है और उनकी लंबाई सेंटीमीटर में, हर एक पद में से मैंने 165 का विचलन निकालने की कोशिश की है, तो हर एक पद में से 165 माइनस किए हैं, ये देखिए इनके विचलन आ गए। इनके विचलनों को मैंने देखा, देखो 12, 5, 17, ये देखिए 20 और 29, माइनस की संख्या कितनी आ गई 29, प्लस में 5, 4, 9 और 20, 29, प्लस में भी कितनी आ गई 29, इनका बीजगणितीय योग कितना आ गया, ज़ीरो। इसका मतलब जिस पद से हम विचलन निकाल रहे थे वो वास्तविक माध्य हैं, और दोनों
मेथड में आपको पता है वास्तविक माध्य कौन था, 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर आप एज्यूम्ड मीन लेते, 162 लेते, 162 लेते, तो आपके पास शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको बताया है प्लस 30 क्या आता, डेविएशन का टोटल आता। तो कुल योग डेविएशन का अगर कोई संख्या आ रही है, इसका मतलब आपने जो विचलन निकाला है वो अज्यूम्ड मीन के आधार पर निकाला है, और अगर कुल डेविएशन का टोटल जो है वो ज़ीरो आ रहा है, मतलब अरिथमेटिक मीन से आपने पद विचलन या डेविएशन निकाला है। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि वास्तविक माध्य से विभिन्न पदों के विचलनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अज्यूम्ड मीन से शून्य नहीं होगा, और अज्यूम्ड मीन में इन विचलनों का समायोजन करके वास्तविक माध्य निकाला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की है सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या नहीं किया जो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट करेगा। सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट में तीन चीज़ें हैं, मीन, मीडियन और मोड। उनमें से हमने सबसे पहले मीन का कैलकुलेशन किया है। दोस्तों वीडियो में मैंने आपको बताया है तीन सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस। यहाँ पर हमने इस वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज से अरिथमेटिक मीन निकालना सीखा है। इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालने के हमने दो मेथड यूज़ किए हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है, सिंपल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। शॉर्टकट मेथड में हमने एक संख्या को अज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य माना है और उससे विचलन निकाल के उनका टोटल करके एन से डिवाइड किया है, और फॉर्मूला ये रहा। उसके बाद मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर विचलनों का योग ज़ीरो है तो आपने किसके सापेक्ष निकाला है, एक्चुअल मीन वास्तविक माध्य के सापेक्ष, और अगर ज़ीरो नहीं है तो आपने अज्यूम्ड मीन के आधार पर डेविएशन या विचलन का टोटल निकाला है। तो वीडियो को ध्यान से समझें, रिटन एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे भी सवाल आ जाए दोस्तों, आप अगर वीडियो को अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, तो एकदम आपको कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।